दोस्तों, रिंग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब सब कैसे होंगे? सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जैसे करके बाइसाइकिल पे मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, अगर वो करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक्शन कैमरा भी नहीं है, उतना ज़्यादा गैजेट भी नहीं है, कैसे बहुत ही आसान तरीके से आपकी हेलमेट पर आपका जो नॉर्मल फ़ोन है, जैसे करके मेरा MI1 डिवाइस पर आप लोगों को दिखाऊंगा, MI1 डिवाइस, किसी भी और डिवाइस हो सकते हैं, कैसे बहुत ही आसान तरीके से हेलमेट पर उसको लगा के आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। उसके लिए ना ही तो कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी का हाई एंड सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होगा, नहीं तो आप और के एक्शन कैमरा का ज़रूरत होगा। आपके सिंपल आपका जो फ़ोन है उसी फ़ोन से अंदर आप कर सकते हैं मोटो ब्लॉगिंग, फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन पिक्चर आता है दोस्तों। वीडियो में सबको लास्ट तक देखते रहिए, पूरा सैंपल बता दूंगा। और वीडियो को पहले भी आपने देख लिया होगा, बिल्कुल मैंने फ़ोन से ही शूट किया था और किस तरह से किया था वो सभी के पास नॉर्मल हेलमेट है तो उसी में से आप घर में बहुत ही आसान तरीके से उसको बना सकते हैं। उसका होल्डर वोल्डर सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से मोटो ब्लॉगिंग आप चालू कर सकते हैं। और दोस्तों, मोटो ब्लॉगिंग जो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा शूट कर रहा हूँ। पहले मैं टेक्निकल वीडियो बनाता था पर फर्स्ट टाइम मैं ऐसा शूट कर रहा हूँ व्लॉगिंग का, तो बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। बाइक को चलाने के बाद वो शूट करना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप भी एक बार जरूर ट्राई में करके देखिए। इसके लिए आपको कोई भी एक्शन वैक्शन कैमरा को हाई खरीदने का जरूरत नहीं है और कोई भी होल्डर वोल्डर इस तरह का ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप कोई भी एक्सेसरीज नहीं भी हो तब भी आप मोटो व्लॉगिंग को चालू कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिए और आपका जितना सारा दोस्त है उनको साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करना इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पाने के लिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना इस तरह का वीडियो को पाने के लिए। आपका दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले। तो चलिए इस तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं सारी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से आप कर पाएंगे। दोस्तों, मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए कौन सा बेसिक चीज़ का जरूरत है? कोई भी हाई एंड चीज़ का जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को जिस अभी जो मैं दिखा रहा हूँ उसी चीज़ का ज़रूरत है, ये आपके पास भी हो अब दोस्तों जरूर ट्राई करके देखिए। मैं बेसिकली MI1 डिवाइस पे करूँगा, तो आप किसी भी और डिवाइस पे कर सकते हैं जिसमें अच्छा कैमरा क्वालिटी हो, उस तरह का मोबाइल आप ले लीजिए, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है एक ब्लैक टिप का ज़रूरत होगा, तो एक नाइफ का ज़रूरत है और एक स्विच का ज़रूरत है और यहाँ पर देख सकते एक सेल्फी स्टिक का ज़रूरत होगा दोस्तों। तो आप मेरा जो है MI सेल्फी स्टिक है तो आप किसी भी सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास जो भी हेलमेट है उसी हेलमेट पर दोस्तों काम चल जाएगा। मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा तरह से हेलमेट को परचेस करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हेलमेट से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ किस तरह सब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल पे साइड पे रखता हूँ और पूरा प्रोसीजर्स को वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आप भी बहुत ही आसान तरीके से मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं विदाउट कोई भी एक्शन कैमरा को छोड़ के, ठीक है। तो सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि तो ये इसका जो है मैं आप लोग खोल लेते हैं, खोल लेने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सिंपल इसको खोल देने के बाद और ये आपके सामने आ जाएगा, तो हमको ज़रूरत होगा इसका। तो इसको सिंपल हम साइड पे रखते हैं, तो इसको ज़रूरत होगा तो मोबाइल को क्लिक करने के लिए, तो सिंपल इसको साइड पे रखते हैं। उसके बाद जो ब्लैक टिप है और उसके बाद चलते हैं हम लोग हेलमेट पे और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। हेलमेट पर इस पोजिशन पर हम लोग उसको चिपकाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा साफ वाफ कर लेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से कुछ रखेंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं और आपका जिस तरह से जो सेल्फी स्टिक है उसका जो एंगल है उसी के हिसाब से चूज़ कर लीजिए और देख लेंगे कि ये वाला जो वाइजर है तो ये बिल्कुल अप्स एंड डाउन सही तरह से हो, ठीक है। तो सिंपल हम लोग इसको यहाँ से चिप लगा देते हैं और उसके बाद में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक। दोस्तों, इसको जो है हम लोग हेलमेट के साथ सही तरह से टेप करेंगे ताकि जो है हम लोगों का फिसले नहीं, सही तरह से यहाँ पे जो देख सकते हैं आप सही तरह से चिपक कर लीजिए यहाँ पे। और दोस्तों, आपका बाइक का जो हेलमेट का कलर है उसी का कलर के हिसाब से ब्लैक टिप को चूज़ कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बनी रही, मैं कुछ फुटेज इस कैमरा से खींचा गया मैं दिखाऊँगा और उस फुटेज कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना। तो इस सीजन के अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से फुटेज आया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको बाइक पे हेलमेट पे लगा देता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं आपको पहन के मैं आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ फुटेज दोस्तों किस तरह से आता है। आप एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद कमेंट जरूर करना। तो मैंने यहाँ पे से शूट कर रहा हूँ, देखिए फ्रंट पे मैंने लगा दिया बाइक के साथ और यहाँ पे जो बाइक मैं चला रहा हूँ और कितना बेहतरीन आ रहा है पिक्चर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो माउंट से है माउंट के सामने इस तरह से आप देख सकते हो, डिस्प्ले में भी वो आप देख सकते हैं। और देखिए मेरा बाइक चल रहा है और कितना स्मूथ फुटेज आ रहा है आप देख सकते हैं। कोई भी गिमलर फिमलर और जो हैंड शेकिंग का कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माउंट किया। और देखिए कितना बेहतरीन फुटेज आ रहा है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करना वीडियो कैसा लगा और ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता देना। तो चलिए इस फुटेज को एंजॉय करते हैं और दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह से इसका फुटेज आता है, ठीक है। तो
देख लिया वीडियो का फुटेज किस तरह से आया, तो चलिए इसको दोस्तों मैं अपलोड करके दोस्तों दिखा देख देता हूँ। सकते हैं फाइनली हम लोगों ने जो है ब्लैक टिप के द्वारा इसको बिल्कुल आसान तरीके से चिपका दिया हूँ। और एक बार आप चेक करके देख लेंगे इसमें जब अगर पूरा पुल करेंगे तो ये पूरा हेलमेट का वेट अगर ले सकता है कि नहीं, ताकि आपका जो फ़ोन का भी है बहुत ही आसान तरीके से वेट ले सकता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों और एक सेटिंग्स आपको करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ किस तरह का सेटिंग्स है। तो बेसिकली आपका जो फ़ोन का जो प्ले स्टोर है उसमें प्ले स्टोर में चला जाए, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो सेटिंग्स करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल प्ले स्टोर में जाने के बाद ओपन कैमरा जो एपीके है तो सिंपल उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ओपन कैमरा एपीके में बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो सिंपल हम लोग ओपन कैमरा जो ऐप है तो उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड हो चुका, उसके बाद सिंपल हम ओपन कर लेते और ओपन कर देने के बाद इसमें अलाव अलाव कर देंगे। और अलाव अलाव कर देने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जो फेस डिटेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे कि सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा कि और एक सेटिंग्स आपको करना पड़ेगा ताकि बेहतर तरीके से हो। तो सिंपल उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर कैमरा कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको मिल जाता है वॉल्यूम्स की। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके टेक्स फोटो ऑन स्टार्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो इसके ऊपर सिंपल हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आ जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ शो कैमरा हो लॉक्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हो जाने के बाद सिंपल बैक कर देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ जैसे आप वीडियो मोड पे जाएंगे दोस्तों, वीडियो मोड पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल पावर बटन को जैसे एक बार क्लिक करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू कर देगा। देखिए मैं एक बार क्लिक किया और देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू हो गया, फिर से मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बार डेमो दिखा देता हूँ। तो सिंपल जो है आपको इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, बैक कैमरा जो है बैक कैमरा कुछ इस तरह से आपके पीछे पे रहेगा, इस तरह से पीछे पे रहेगा और इसको आपको जो है यहाँ पे आपको हेलमेट पे माउंट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से माउंट कर लीजिए और ये आपके प्रेजेंट से हिसाब से डायरेक्शन होते रहेंगे और आप भी यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप जो है मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्शन कैमरा का जरूरत नहीं है। और पहले जो अपने वीडियो के स्टार्टिंग में फुटेज देख लिया था तो ये मैंने MI A1 से ही शूट किया था, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ना ही तो मेरे पास एक्शन कैमरा से शूट किया गया है और ना ही कोई और चीज़ से शूट किया गया है, तो सिंपल MI A1 डिवाइस से मैंने शूट किया और देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता देना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भी बताना। और आपका जितना सारा दोस्त है जो ब्लॉगिंग पसंद करते हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पता चले। और मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे चल के आप लोगों को इस तरह का टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट न्यूज़ अनबॉक्सिंग होने सबसे पहले पता चले। और वीडियो को दोस्तों 100 लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए गुड डे, बाय।